यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे आइजैक वॉट्स के बारे में। इनका जन्म 17 जुलाई 1674 में हुआ था। इनका मृत्यु 25 नवंबर 1748 में हुआ था। ये साउथहैम्प्टन शहर के थे। इनका देश था इंग्लैंड और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार इंग्लैंड में किया। परमेश्वर की स्तुति गान स्वर्गीय स्थानों में आराधना का हिस्सा है। ये आइजैक वॉट्स द्वारा कहे गए शब्द थे, जिन्हें अक्सर अंग्रेजी भजन के पिता के रूप में जाना जाता है। आइजैक वॉट्स एक प्रसिद्ध ईसाई कवि और एक सामर्थी प्रभु के दास थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही पंक्तियां लिखना शुरू कर दिया था। एक बार उन्होंने चर्चों में खराब भजन गायन के बारे में शिकायत की, इसलिए उनके पिता ने उन्हें कुछ बेहतर लिखने की चुनौती दी। अगले हफ्ते आइजैक ने अपना पहला भजन बिहोल्ड द ग्लोरीज ऑफ द लैम्ब पेश किया। अगले 2 वर्षों तक उन्होंने हर रविवार को एक नया भजन लिखा और अपने जीवन काल में 600 से अधिक भजन लिखे। उन्होंने नए नियम के संदेश और शैली में भजन सहित के अध्यायों को गीत के रूप में फिर से लिखा। उनके कुछ प्रसिद्ध भजनों में जॉय टू द वर्ल्ड, आवर गॉड आवर हेल्प इन एजेस पास्ट, व्हेन आई सर्वे द वंडरस क्रॉस, I sing the mighty power of God, bless O my soul, the living God or Jesus shall reign है। उनके भजनों ने स्तुति से भरपूर हर्षित मंडली गायन को प्रोत्साहित किया। वे बच्चों से प्रेम करते थे और उनके लिए कई पुस्तकें लिखे। उनकी पुस्तक बच्चों के लिए दिव्य गीत बच्चों के लिए विशेष रूप से लिखा गया पहला भजन पुस्तक था। वॉट्स एक महान विद्वान थे और उन्होंने इतिहास और तत्वज्ञान के साथ साथ बाइबल की सच्चाइयों को सिखाया। उनके लेखन में मनोविज्ञान, धर्मोपदेश, धर्मशास्त्र, तर्क आदि जैसे विषय शामिल थे। वे स्वास्थ्य के मामले में कमजोर थे और अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों के लिए एक विकलांग की तरह थे, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए गीत लिखने से उन्हें कुछ भी नहीं रोक सका। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को इस तरह वर्णन किया, मेरी इच्छा एक कवि के रूप में अच्छा नाम कमाने की नहीं था, लेकिन मैं कलीसिया का सेवक और मसीहियों के लिए खुशी का साधन बनना चाहता था। उनके भजन आज भी हजारों लोगों के लिए एक महान आशीर्वाद है। प्रिय, क्या आप अपनी सभी प्रतिभाओं का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं? है प्रभु, आपके द्वारा दी गई सभी प्रतिभाओं का उपयोग आपके प्रेम का बखान करने के लिए मुझे अपनी कृपा से भर दीजिए। आमीन।